हेलो एवरीवन। देखिए इस वीडियो में हम आगे देख रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के तीसरी वीडियो है। दो वीडियो हमने देख लिया है। इस वीडियो में हम आपको लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करेंगे, जिसका पहला जो टाइप है वो है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। तो इसको हम देखेंगे, फिर आगे इसकी अगली टॉपिक देखेंगे जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द फील्ड ऑफ स्टेट इन स्टेट सब्जेक्ट, और फिर सेंटर कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, इसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए इसमें कहता है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, यानी सेंटर और स्टेट के पावर पास जो पावर है आपको कानून बनाने का भारत के ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर, उसकी हम इसमें देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या पावर दिया है। तो देखिए कहता है कि द पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना, पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना, टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें टेरिटरी जो है क्या क्या आ जाता है, टेरिटरी में देखिए क्या आ जाता है, स्टेट आ जाता है, सारे स्टेट आ जाते हैं, यूटीज आ जाते हैं, और एनी पार्ट और एनी एरिया है ना, जो कि इंडियन टेरिटरी में फॉर द टाइम बिंग इंक्लूड किया जा रहा है वो भी आ जाता है ना, एनी पार्ट और एरिया फॉर द टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग इंक्लूडेड इन इंडिया, है ना। यानी मान लीजिए कोई अदर आउटसाइड इंडियन टेरिटरी के अगर कोई पार्ट इंडिया में इंक्लूड किया जा रहा है तो उस पर भी कानून बनाने का अधिकार आपको पार्लियामेंट के पास है ना। फिर अगला जो है, अगला स्टेट की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट को भी पावर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि द स्टेट है ना, यानी एनी स्टेट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉ, कैन मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इट्स ओन, है ना, जो इस जो कोई स्टेट है वो अपने किसी एक पार्ट के लिए या होल स्टेट के लिए कानून बना सकता है, यानी जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है अपने, और जो ये कानून बनाएगा स्टेट, ये सिर्फ इसी स्टेट के लिए लागू होगा, है ना। तो अब इसमें देखिए जो आउटसाइड होगा ना, आउटसाइड है ना, द स्टेट लॉ नॉट अप्लीकेबल टू आउटसाइड, है ना, जो स्टेट लॉ होगा ये अप्लीकेबल नहीं होगा आपको आउटसाइड टेरिटरी, है ना, यानी सिर्फ उसी स्टेट के लिए लागू होगा, है ना। तो ये है इसका मेन पॉइंट कि कोई भी स्टेट अपना अपने होल स्टेट के लिए, अपने होल टेरिटरी के लिए, टेरिटरी किसी पार्ट के लिए कानून बना सकता है, और वो जो कानून होगा सिर्फ उसी स्टेट के लिए लागू होगा, यानी आउटसाइड वो लागू नहीं होगा, आउटसाइड वो लॉ लागू नहीं होगा उस स्टेट के, आउटसाइड ऑफ द स्टेट, है ना। इसका कहने का मतलब ये है। अगला जो है आपको इसमें कहता है कि देखिए जो पार्लियामेंट है, द पार्लियामेंट कैन अलोन, है ना, पार्लियामेंट कैन अलोन मेक लॉ फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, है ना, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस लेशन, है ना। इसमें कहता है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन होगा, इसमें ये कहता है कि दस द सच लॉ
कैन बी एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन, है ना। इंडिया के जो नागरिक हैं अगर किसी भी देश में रह रहे इंडियन सिटीजन एंड देयर प्रॉपर्टीज इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, यानी दुनिया के किसी भी देश में अगर भारत के नागरिक रह रहे हैं तो उनके प्रॉपर्टी और उनसे उनको लेकर अगर पार्लियामेंट कोई लॉ लाता है तो उन पे इक्वली एप्लीकेबल होगा, कहने का मतलब इसका ये है, है ना। तो ये टेरिटोरियल एक्सटेंट में आपको तीन टाइप के ये प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर होल टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। स्टेट के पास जो पावर है वो स्टेट अपने टेरिटरी या अपने किसी टेरिटरी के पार्ट के लिए कानून बना सकता है। इस टाइप का जो कानून होगा स्टेट का वो आउटसाइड स्टेट अप्लीकेबल नहीं होगा, वो सिर्फ उस स्टेट के लिए होगा। फिर उसके बाद पार्लियामेंट कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब है कि ऐसा कानून जो भारत की टेरिटरी से बाहर भी अप्लीकेबल होगा उस इंडियन सिटीजन पे और उनकी प्रॉपर्टी पे, है ना। तो ये तीन पॉइंट है जिसमें आपको टेरिटोरियल एक्सटेंट के जो प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमने देखे। अब आगे इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ये है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट में असम वगैरह मेघालय मणिपुर उनको लेकर है, जिसमें आपको ये पार्लियामेंट के ये इस टाइप के लेजिस्लेशन अप्लीकेबल नहीं है। अगर अप्लीकेबल है तो विथ सम मॉडिफिकेशन वगैरह, तो उस एक्सेप्शन को हम अभी देखते हैं। आइए